वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलना मौईद खान की बेकरी पर शुरू हो चुका है। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मौईद खान जिस पर आरोप लगता है नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का, जिसके बाद मौईद खान की ये बेकरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी और वहां पर ये बुलडोजर पहुंचा है। बुलडोजर एक्शन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कल ही जो बच्ची होती है उसकी मां ने मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से की थी और उस दौरान सीएम ने यह भरोसा दिलाया था कि हम कार्रवाई जरूर करेंगे और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर वाली कार्रवाई भी करेंगे। ये अब बेकरी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, हम आपको हर एक कैमरे की अलग अलग एंगल्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले ही जो सामान है उसको बाहर फेंक दिया गया या रख दिया गया, मौका दे दिया गया भैया अपना सामान निकाल लीजिए आप क्योंकि हम बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा जितना भी जो सामान अंदर तैयार हो रहा था उसका सैंपल लिया गया, फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, उन्होंने सैंपल लिया, उसकी भी जांच की जाएगी कि सही तरीके से बनाया भी जा रहा था या नहीं बनाया जा रहा था। अब हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। ये बुलडोजर तैयार है, एक बुलडोजर क्योंकि रास्ता सकरा है तो वहां पर बुलडोजर एक फंस गया तो दूसरा बुलडोजर मंगाया जा रहा है और जैसे ही वो पहुंचेगा ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तस्वीर अवैध बेकरी पर, यह कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इन सबके बीच में अगर सवालों के घेरे में कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जी, अवधेश प्रसाद उनका नाम है, जिनको समाजवादी पार्टी के मुखिया भरी संसद के भीतर कह देते हैं ये हैं अयोध्या के राजा। तो राजा जी हैं कहां? राजा जी ये नहीं बता रहे हैं कि अब क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं। मौईद खान उनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। राजा जी से पूछा जाता है कि आप फोटो कैसे खिंचवा रहे हैं तो वो कह देते हैं कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, ये अधिकार तो किसी को भी है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हम आपको बताते हैं, जैसा भी अमित भी आपको बता रहे थे, हम फील्ड पर जाते हैं, जब हम अवधेश प्रसाद से अगर बात करने की भी कोशिश करेंगे या किसी भी सांसद से, आप सिर्फ सांसद मंत्री छोड़ दीजिए सांसद से भी बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले पीए को फोन करना पड़ेगा। आप पीए को फोन करेंगे तो वो आपको समय देंगे, फिर समय देंगे तो आपसे पूछेंगे किस विषय पर मिलना है, तब जाकर आप फोटो या आप वहां पर उनका टिकटैक ले सकते हैं। लेकिन ये मौईद खान बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं, आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं, किसी चीज का ब्यौरा दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं मौईद खान पर जब अवधेश प्रसाद से सवाल किया गया कि आप जानते हैं इनको, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तब वो कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। अमित का फिर से रुक करते हैं। अमित, बहुत बड़ी कार्रवाई है, जो मैं पहले भी कह रही थी कि अगर बुलडोजर चलता है तो लोग सवाल करते हैं कि भाई जेल भेज दीजिए, बुलडोजर काहे चलाते हैं। लेकिन बुलडोजर चलाना मेंटली उनको इस तरीके से समझाना होता है कि देखिए ये भी रास्ता है हमारे पास में, मेंटली भी तोड़ेंगे हम आपको। देखिए केवल मेंटली ही नहीं तोड़ती है योगी सरकार, बुलडोजर की कार्रवाई से सपना पूरे समाज में मैसेज देती है कि अगर कोई इस तरीके का काम करने का सोच रहा है, अगर कोई इस तरीके का अपराध करने की सोच रहा है तो संभल जाए, बुलडोजर उसके यहाँ भी चल जाएगा। और जीवन भर की कमाई से लोग अपना घर बनाते हैं और यही मैसेज जो है सीधे योगी सरकार जो है पूरे समाज को देती है और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। और जितने भी अगर हम गाँव में जाएं तो वो लोग इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। दूसरी बात में तो ये जो बेकरी है ये बेकरी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। दरअसल सरकारी एक तालाब है, उस तालाब का अतिक्रमण करके बताया ये जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं उस पर ये बेकरी बनी है। कल जो SDM यानी राजस्व विभाग जो पहुंची थी इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नपाई की गई और SDM ने पूरा पुख्ता ये जानकारी कर लिया। नहीं अमित, एक सबसे बड़ी बात ये है, आप और मैं भी अयोध्या में थे, हमने लंबे समय तक अयोध्या को कवर किया, जो अयोध्या का विकास हुआ उस पर बड़े समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए। आज वो समाजवादी पार्टी कहाँ है? आज उसको विकास पर सवाल खड़े करने दिखते हैं लेकिन जब अपना ही आदमी कटघरे में खड़ा हो गया तब वहां के राजा जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो कह देते हैं फोटो खिंचवाई थी भाई, अब हमको नहीं पता कौन कौन फोटो खिंचवाता है, आपके और मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाएगा तो हमको मालूम होगा कि किसने फोटो खिंचवाई है, कब खिंचवाई है, कहां डाली है फोटो। जाहिर तौर पे जब भी कोई भी हम लोग के साथ फोटो खिंचाएगा तो हमें मालूम होता है और अवधेश प्रसाद के साथ भी जितने लोग फोटो खिंचवाए हैं वो अवधेश प्रसाद को मालूम होगा। जाहिर तौर पे अवधेश प्रसाद को मालूम होगा कि उनका समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर है मोइन खान और इसी वजह से उसके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई। और अब जब आरोपी के मुख्य आरोपी मोइन खान पर कार्रवाई हो रही थी, अवधेश प्रसाद चुप्पी साध, कुछ दिन पहले लोकसभा में वो अयोध्या के राजा थे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनके साथ हाथ मिलाया, तो जाहिर तौर पर उनकी खुशी का पैमाना खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन अभी देखिए मोहित खान पे जो कार्रवाई, उनको ये लगा कि अयोध्या जीत लिया तो ये सबसे बड़ा संदेश दे दिया। लेकिन अगर बात संदेश देने की है तो अब ये भी बताइए कि आपके बगल में आपके ये नेताजी खड़े हैं जिन पर इतना बड़ा आरोप लगा है, तब आप कहें? बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर आप देख रहे हैं और इन सबके बीच में आपको बता दें
कि एक दिन पहले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की रेप पीड़ित बच्ची की मां से लखनऊ मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित बच्ची की मां ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा कल दिलाया था। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी भी हो सकती है वो करेंगे। महाराज जी ने आश्वासन दिया, कड़ी सजा मिलेगी उनको। जो अवैध सारे कब्जे हैं उसके बुलडोजर से ये सारे आश्वासन उन्होंने वो हो रही कार्रवाई। क्या बातचीत हुई? वही बातचीत हुई कि उस पर और उसको फांसी दिया जाए ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। क्या बुलडोजर जी मांग किया गया? क्या खबर? जरूर चलेगा, जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर जरूर चलेगा। ठीक ठीक मिनट कर ले। आज सीएम से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मांग रखी, क्या सीएम ने कहा? दिलाने का भरोसा दिया इस जी बोलिए। पीड़ित परिवार मौजूद आज मुख्यमंत्री सीएम ने आज क्या कहा? संतुष्ट है? उन्होंने कहा पूरी कार्रवाई होगी, आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। किस तरह की कार्रवाई? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई? अगर संपत्ति है बुलडोजर चलेगा चलेगा। और क्या? और सीएम ने कोई आर्थिक मदद? आर्थिक मदद भी उन्होंने दी। जैसा कि आपने सुना ये पीड़ित हेलो क्या हुई सीएम से, क्या बातचीत हुई, सीएम ने क्या कहा, मदद वगैरह या दोषियों पे बुलडोजर या कार्रवाई, क्या कहा? कॉलोनी मिलेगी क्या? बुलडोजर और कॉलोनी की बात हुई, क्या बात हुई? बुलडोजर चलेगा, ये जितनी अवैध संपत्ति है।